दोस्तों नमस्कार, क्रिस्टल न्यूज आसनसोल में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से चले आ रहे आसनसोल के सियासी ड्रामे में जिनके नायक जितेंद्र तिवारी थे उनका अंत हो गया है। आखिरकार जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस में वापस हुए। पूरे शिल्पांचल में जितेंद्र तिवारी के इस कदम का घोर विरोध किया जा रहा है। आसनसोल के प्रवीण नेता तृणमूल कांग्रेस की राज्य कमेटी में सचिव भी शिवदासन दासु ने इस प्रकरण में अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी है। कितना दिन से मेयर है? कितना दिन मेयर था? 5 बरस एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है अभी आपको 2-3 मास। इतना दिन में नहीं बोल के आज क्यों बोल रहा हूं? जब मेयर का 5 बरस कंप्लीट हुआ था, जब एडमिनिस्ट्रेटर का अंदर में जा रहा था, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का चेयरमैन क्यों बनेगा? उस समय छोड़ देना चाहिए था, हमसे नहीं होगा। और उस समय ना छोड़ के अभी के टाइम ये बात बोल रहे हैं, तुम बेकार का बात है। अगर किसी को भी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, अगर कोई परिचय मिला है तो पार्टी से मिला है। अगर आप मेरे पास अभी आया है यही बात लेके, तो आप हमको पार्टी का कार्यकर्ता नहीं तो नेता समझ के है। तो पार्टी हमको दायित्व तो दिया तब हम कार्यकर्ता है, हम नेता है? कार्यकर्ता नहीं, हम नेता है। जब पार्टी दायित्व दिया तो आपको भी पार्टी विभिन्न जगह में दायित्व दिया है, तब आप में ना है। फिर आज के दिन ये बात बोलना ठीक नहीं है। इतना दिन क्यों नहीं है? इतना दिन आपको इसको पहले आपको बोल देना चाहिए था। क्या चीज का आपको काम करने का दायित्व नहीं दिया? पार्टी आपको MLA बनाया, पार्टी आपको मेयर बनाया, पार्टी आपको बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, चेयरमैन सबका चार्ज में, पार्टी आपको 2-2 GB का प्रेसिडेंट बनाया। अब ऑल इन ऑल होके चलता था, पार्टी आपको ग्रीन सिग्नल दिया पार्टी सजाने के लिए, ममता दी आपको ग्रीन सिग्नल दिया, ममता दी आपको मेयर बनाया, ममता दी आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन बनाया, ममता दी आपको MLA बनाया, ममता जी इसका पहले आपको चेयरमैन बनाया था कॉरपोरेशन का। तो सब चीज सब पार्टी से मिला है। आप आज से 7 बरस पहले, 6 बरस पहले का पोजीशन देखिए। 6 बरस पहले आप क्या था और आप आज क्या है, इसको तो हकीकत देखिए। आज जहां जा रहा है आपका नाम पर दादा बोलने वाले बहुत आदमी है, जन्म हुआ है, बहुत आदमी प्रणाम करता है, बड़ा बड़ा बात बोलता था, ये सब कहां से आया? ये सब पार्टी का दायित्व में है बोल के? तो क्यों लगता है कि पार्टी उन्होंने छोड़ा? आपको क्यों लगता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ा? अच्छा नहीं लगा होगा, छोड़ा होगा। हमको लग रहा है इतना उसको देने का बाद भी और क्या पार्टी देगा बताइए आप, क्या देना बाकी है ये बताइए आप, क्या देना बाकी है? जो 6 बरस पहले का इतिहास, 6 बरस बाद वाला इतिहास आप देखिए। हम लोग सभी बैठा हुआ ममता बनर्जी का देन है, दीदी का देन है, दीदी का देन के चलते हम लोग का आदमी चिंता है। हम लोग का कोई अपना पर्सनालिटी कुछ नहीं है। जो आदमी आज MLA बना, MP बना, मेयर बना, काउंसलर बना, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना, एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर बना, पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना, जिला प्रेसिडेंट बना, स्टेट कमेटी में आया, अमुक आया, अमुक आया, ये सब आपको पार्टी का देन है, पार्टी है बोल के मिला है। तो ये पार्टी को जिंदा रखना आपका दायित्व है, ये पार्टी को प्रत्येक इलेक्शन में जीता के लाना आपका दायित्व है। और आप अभी का टाइम में आप पार्टी के खिलाफ में आंदोलन उठा रहे हो, आप उस समय ये आवाज क्यों नहीं उठाए? अगर आप उस समय आसनसोल के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज आप सेंटिमेंट उठा रहा हो, आसनसोल का आदमी बुढ़वा नहीं है, आज बहुत सब जगह आदमी पूछी है, सब जगह मोटा मोटी जुलूस निकाला है। 2 दिन बाद आप देखिएगा सब आदमी आपको विभिन्न असेंबली केंद्र में जुलूस निकलेगा। आप बोलना चाह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने से उनका आपके पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे आप छोड़ेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी हमसे नहीं है, पार्टी से हम है। हम अभी जितेंद्र तिवारी प्रकरण में युवा तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष रुपेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जितेंद्र तिवारी का यह कदम काफी निराशजनक रहा है।
सभापति से उन्होंने इस्तीफा दिया ये खबर मिला, इससे उनका अपना विचार है, अपना निर्णय है, इस्तीफा दिए दल को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दल में लोग आते हैं जाते हैं, दल अपना जगह खड़ा है और दल में एक नेत्री हम दीदी हम लोगों की ममता बनर्जी, उनके रहते हुए इस दल को कुछ बिगड़ने वाला है। तो आप क्या बोलते हैं कि जिंदगी वाली पार्टी छोड़ देने से किसी भी तरीके से पार्टी को कोई खती नहीं होने वाला? जितेंद्र तिवारी क्यों, कोई भी पार्टी छोड़ देने से कोई खती होने वाला नहीं है जब तक दीदी है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की। जिंदगी वाली किस तरह आप जाएंगे, आप लोग क्या लगता है इसके बाद इस्तीफा देने के बाद किस ये उनका निर्णय है क्या करेंगे? Thank you.